मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज एक सीमित कार्य की दृष्टि से मैंने आपको कष्ट दिया है, और वो है कि इस वर्ष 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, लेकिन ये उनके 110वीं वर्षगांठ का आरंभ है, वर्ष का कमेंसमेंट ऑफ द 110th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ डॉक्टर मुखर्जी। और उस संदर्भ में कुछ कार्यक्रम बनाए हैं जिनका उल्लेख मैं करूँगा। और क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन बनाया हुआ है, जिसके के सेक्रेटरी हमारे तरुण विजय हैं, इसीलिए मैं उनसे कहूँगा कि आरंभिक 2 शब्द कहें। लेकिन उस विषय पर आने से पहले, मैं ये जानकारी आपको होगी ही कि उत्तर प्रदेश में किसानों का एक संघर्ष चल रहा है, जिस संघर्ष में भाग लेने के लिए आज हमारे कुछ प्रमुख सहयोगी वे वहाँ पर गए हैं, जिनमें से राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी, ये हमारे सांसद हैं, मेरे सहयोगी हैं संसद में। और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, ये सभी लोगों ने, ये सब लोग गिरफ्तार हुए हैं आज। और मैं समझता हूँ कि ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लेकिन देश भर में अलग अलग स्थानों पर किसानों के लिए बहुत समस्याएं पैदा करता है। उनका यही सहारा है आजीविका का, और उसको अधिग्रहण जिस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए निश्चित रूप से कोई न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके कारण उनको इतना कष्ट और यात्रा न भुगतनी पड़े जैसी आज भुगतनी पड़ती है। और इसी कारण इतने समय से वहाँ पर संघर्ष चल रहा है। अच्छा तो ये होता कि वहाँ का शासन, वहाँ की मुख्यमंत्री उनसे बैठ करके बात करती, उनका समाधान करती। इन हर मामले में हिंदुस्तान में जो लोगों को संघर्ष करना पड़ता है इस प्रकार से, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इस विषय में मुझे इतना ही कहना है, लेकिन मैं अब तरुण जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर मुखर्जी की इस 110वीं वर्षगांठ के संदर्भ में क्या उन्होंने सोचा है, उन्होंने कुछ कल्पनाएं की है, उनका उल्लेख करें। श्रद्धेय आडवाणी जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय भगत दा, आदरणीय जनरल मलिक, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय हर्षवर्धन जी और मेरे परम मित्र शाहनवाज जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान के नौजवानों के एक आदर्श हैं। 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, और 52 साल की उम्र में उन्होंने कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए अपने बलिदान दिया था। उनके 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान की सरहद और सैनिक के सम्मान तथा हिंदुस्तान के संस्कृति के सम्मान के लिए माननीय आडवाणी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 15,700 किलोमीटर की बॉर्डर दर्शन अभियान यात्रा, तीर्थ यात्रा देश में प्रारंभ की जा रही है।
यह बुनश्यारी जहाँ से माननीय भगत दा कोश्यारी जी उस क्षेत्र से हैं, उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर से शुरू होगी, वहां से हम बड़ा होती जाएंगे जहां पे चीन की घुसपैठ लगातार जारी रहती है, उसके समाचार आते हैं, उसके बाद नाथुला सिक्किम में जाएंगे, फिर तवांग अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, उसके बाद मोइरंग में जाएंगे जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का प्रतीक है, वहां वे आए थे, उसके बाद अंडमान निकोबार जाएंगे जहां इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का वहां पे केंद्र बना था और उन्होंने उस द्वीप को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। फिर हम लक्षद्वीप जाएंगे, उसके बाद गुजरात में ओखा जैसलमेर, और पाकिस्तान की गुलामी में जो हमारा कश्मीर है उस सीमा पर उड़ी जाएंगे। उड़ी के बाद हम चुशूल जाएंगे, चुशूल के बाद हिमाचल में लाहौल स्पीति और देहरादून में एक विशाल उसका समापन समारोह होगा जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा सम्मिलित होगा। हम लोग इसका आधार 1962 के युद्ध में के बाद भारत की संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव कि जहां भी चीन ने हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसे हम उसे खदेड़ेंगे। उस समय सभापति जी ने कहा कि 35 संसद सदस्यों के उनके पास नाम आए हैं जिन्होंने कहा है कि वे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि पूरा सदन उनके साथ है और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि चीन ने जहां जहां हमारे क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया है हम उसे खदेड़ेंगे। उसके बाद 1994 का भारत की संसद द्वारा सर्वदलीय सर्वसम्मत प्रस्ताव है जिसमें हमने यह संकल्प किया था कि पाकिस्तान की गुलामी में जितना कश्मीर गया है उसको हम वापस लेंगे। ये दोनों हमारे इस बॉर्डर दर्शन अभियान के आधार बिंदु है। हम देश में भारत की सीमा के खतरों के प्रति जागृति पैदा करना, सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा करना, और भारत के जो नौजवान जो फेसबुक और ट्विटर पर है, एक घंटे में 67,000 से अधिक लोगों ने बॉर्डर दर्शन के इस अभियान पर आने की इच्छा जाहिर की। इस समस्त क्षेत्र में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब तरह के लोग यहां पे शामिल हो रहे हैं और हम 14 मई को माननीय आडवाणी जी के करकमलों से तिरंगा झंडा लेकर मुनश्यारी सीमा की ओर प्रस्थान करेंगे। मुनश्यारी और नीलम ग्लेशियर वहां पे जाएंगे, उसके बाद बाराहोती जाएंगे। हमारा मकसद यह है कि हम सैनिकों के प्रति सम्मान करें और सरहद के खतरों के ऊपर जो खतरे छाए हुए हैं उसके प्रति देश को सजग करें। इस समय जो विश्व की स्थिति है उसमें भारत अत्यंत संवेदनशील परिस्थिति में है। माननीय आडवाणी जी 1962 के युद्ध के समय से भारत की सीमाओं पर जाकर सैनिकों का की स्थिति और सरहद की स्थिति का मुआयना करते रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन और नेतृत्व मिल रहा है। यह भारत के इतिहास की सबसे पहली एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी दलों को शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में सभी दलों के सांसदों को नेताओं को उनको कहा है कि यह भारत की सीमा और सैनिक का सम्मान दलीय प्रतिबद्धताओं और विचारधाराओं से ऊपर की बात है, इसमें सभी हम शामिल हो और इसमें राजनीतिक गतिरोध या राजनीतिक विचारधाराओं के जो एक दीवारें हैं उससे ऊपर उठकर हम काम करेंगे। हम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके आदर्श लेकर चल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 23 जून 1953 को कश्मीर के शेष भारत में विलय के लिए बलिदान दिया था, उनकी याद में हम ये यात्रा कर रहे हैं। अब मैं माननीय आडवाणी जी से प्रार्थना करूंगा कृपया इस संदर्भ में अपने विचार दें और हमें आशीर्वाद दें। मित्रों, कार्यक्रम के बारे में तो तरुण जी ने आपको बता दिया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि
आज भारतीय जनता पार्टी में जो अधिक आयु के लोग हैं वे तो राजनीति में आए डॉक्टर मुखर्जी के कारण। मैं स्वयं 51 में भारतीय जनसंघ का सदस्य बना, डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और 52 में पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए हैं सब में भाग लिया, सक्रिय रूप से, किसी में पार्टी के एक कैंपेनर के नाते, किसी में उम्मीदवार के नाते। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर मुखर्जी के कारण ही कश्मीर, एक प्रकार से कश्मीर की पूरी एकता भारत के साथ होना, ये हमारे पूरे चिंतन का एक हिस्सा बन गया है। यहाँ तक के आप में से पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि जब कश्मीर का पहला आंदोलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, तब वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता था, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था, तब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं तो देश के राष्ट्रपति का भी जम्मू कश्मीर पर अधिकार नहीं था, वहाँ का राष्ट्रपति सदर रियासत कहलाता था, ही वॉज अ सेपरेट आइडेंटिटी, वो राष्ट्रपति वहाँ का था। और इन सब बातों के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने संघर्ष किया, और सिंबोलिज्म के नाते उन्होंने चुन लिया कि मैं इस बात को नहीं स्वीकार करूंगा कि मुझे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए और परमिट लेना पड़े, ये कोई विदेश थोड़ी है कि जहाँ से वीसा मुझे लेना है, मैं बिना परमिट के जाऊंगा अगर उसके कारण मुझे गिरफ्तार करते। और सचमुच तो बहुत उस समय अगर कोई बिना परमिट के जाता था तो पंजाब सरकार ही गिरफ्तार करती थी, लेकिन तब योजना बनी इनकी कि पंजाब सरकार गिरफ्तार न करे, जाने दे, और जब वो पठानकोट के पुल पर आधे पर पहुंचेंगे तब जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और वहां पर उनको रखेगी जेल में, और वो हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है कि डॉक्टर मुखर्जी स्वस्थ गए और अटल जी उन्हें छोड़ने गए थे, आधी पुलिया तक उनके साथ थे, और वहाँ उन्होंने उनको कहा कि जा कर के तुम बता दो कि मैंने बिना परमिट के प्रवेश किया है जम्मू कश्मीर में, चाहे बंदी के रूप में, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे आपको, उन्होंने कहा कर लीजिए।